सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर दोस्तों आज जो है हमारे पास माइक नहीं है, तो आपको जो है साउंड में थोड़ा जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। बहरहाल आपको जो है कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है डक डक भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है इन पर इस टाइम पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया और अभी इनकी डक डक जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर दोस्तों टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप जो है पता कर सकते हैं रियल और फेक स्मार्टफोन्स का। मैं टोटली दोस्तों आपको बताऊंगा। उसका रीज़न ये है कि हम जैसे कि काम भी मोबाइल का करते हैं, सेल परचेज का, मेरी अपनी शॉप भी है और मैं इस चीज़ को समझता भी हूँ, और हमने जैसा कि चैनल बनाया हुआ है मोबाइल अपडेट्स पर, तो हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन जो है मार्केट में रियल होता है और कौन सा फेक होता है। दिखने में दोनों सेम होते हैं, लेकिन उनमें से जो है एक स्मार्टफोन रियल होगा, एक स्मार्टफोन फेक होगा। और आपको ये चीज़ कैसे पता करनी है? आप कोई भी सेकेंड हैंड स्मार्टफोन ले रहे हैं, आपको कैसे पता करना है कि यह स्मार्टफोन जो है 100% ओरिजिनल है भी है या नहीं है? तो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो आपने एंड तक वॉच करना है। अगर आपने एंड तक वॉच कर लिया है, तो मैं गारंटी से ये बात आपको कह सकता हूँ कि आइए के बाद आप जो है कोई भी फेक स्मार्टफोन जो है परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक पार्ट टू भी मैं अपलोड करूंगा, जो कि पिन पैक स्मार्टफोन्स पर होगा, कि रीपैक स्मार्टफोन का कैसे पता चलता है कि ये स्मार्टफोन जो है रीपैक है या फिर ये स्मार्टफोन जो है यूज़ हुआ है, इसको दोबारा पैक किया गया है, उससे कैसे पता करना है, तो उस पर मैं पार्ट टू जो है दोबारा अपलोड कर दूंगा। तो वो दूसरी वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो का दोस्तों टॉपिक यह है कि कैसे आपको चेक करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास जो है तीन स्मार्टफोन्स हैं, जिनमें एक हुआवे का है, दूसरा रियलमी C3 है और तीसरा सैमसंग का S8 है। तो हमें दोस्तों पता करना है कि इनमें से रियल कौन है और फेक कौन सा स्मार्टफोन है। बेसिकली दोस्तों ये तीनों ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ जो है फ़र्क है, तो इसी वजह से मैंने ये जो है रिव्यू में लाए हैं कि इन स्मार्टफोन्स में आसानी से मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा स्मार्टफोन जो है रियल है। अब बेसिकली दोस्तों सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जिनमें S की सीरीज़ आ गई और नोट की सीरीज़ आ गई, दोस्तों इनके जो बैक होते हैं, इन पर इनका IMEI नंबर जो है वो लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका अंदर का IMEI नंबर होगा और बाहर का IMEI नंबर होगा वो मैचिंग हुआ, तो आपका स्मार्टफोन जो है इससे थोड़ा बहुत जो है रियल होगा। मतलब 100% मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अंदर जो IMEI होता है बास टाइम इस तरह होता है कि जो IMEI होता है वही बाहर प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक कर देनी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये करनी है कि यहाँ पर मैं कोड लगा देता हूँ *#06#। अब यहाँ पर दोस्तों इसका IMEI जो है वो सामने शो हो चुका है। अब हम इसको स्कैन कर देंगे, और स्कैन करने के बाद दोस्तों पता चलेगा कि ये IMEI जो है ओरिजिनल है या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन का इसको लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको जो है स्कैन कर देते हैं। तो अभी ये जो है स्कैन हो चुका है, और स्कैन होने के बाद नेट का होना जो है ज़रूरी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो IMEI इस स्मार्टफोन को लगी हुई है, ये वही IMEI है जो कि S8 में अभी हमने स्कैन की थी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि दिस IMEI इज़ ऑफ क्यू मोबाइल L2 क्लासिक डिवाइस। अब बेसिकली L2 जो है क्यू का एक स्मार्टफोन नहीं है, क्यू का एक नॉर्मल स्मार्टफोन है, बटनों वाला, जिसे हमें अपनी नॉर्मल ज़बान में कहते हैं, वो स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर ये IMEI मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये वही IMEI है जो हमने अभी स्कैन की है, क्योंकि बाज़ लोग होंगे जो बाद में बोलेंगे यार कि आपने फेक दिखाई है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा जो है प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो दोनों IMEI जो हैं वो सेम हैं, आप चेक कर सकते हैं। और क्यू मोबाइल की यहाँ पर जो है IMEI ठोकी हुई है, और ये बिल्कुल आपके स्मार्टफोन को जो है फेक बनाती है। अब होगा क्या कि जो इस स्मार्टफोन का सीरियल नंबर है, जब मैच होगा तो PTA की तरफ से ये स्मार्टफोन जो है ब्लॉक हो जाएगा, और आपको जो है दुकानदार ने समझें चूना लगा दिया है इस स्मार्टफोन में। अब बेसिकली S8, S9, S10 एंड Note 8, Note 9, Note 10, ये जो सीरीज़ हैं दोनों, S की सीरीज़ और Note की सीरीज़ में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा सैमसंग की। और बाकी दोस्तों अगर आप बॉक्स पैक ले रहे हैं, तो उसमें किसी किस्म का ऐसा इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो है दूसरा स्मार्टफोन दिखा देता हूँ कि वो किस तरह आपने चेक करना है कि ये स्मार्टफोन रिपेयर है या नहीं है। तो बेसिकली ये जो S8 है ये भी बिल्कुल रिपेयर है, लेकिन यहाँ पर चेक कैसे करना है आपने कि ये स्मार्टफोन जो है रिपेयर है या नहीं है, उसके लिए दोस्तों मैं आपको ऑनर एक्स से थोड़ी सी जो है मिसाल और डिटेल जो है बताऊँगा, तो उस तरह से जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो है थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है क्लियरली पता चल सके कि कैसे आपको पता चलेगा कि स्मार्टफोन का जो पैनल है वो चेंज है। तो यहाँ पर हम जो है इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ज़रा गौर से देखना है। अगर आप गौर से देखें तो आपको हल्की हल्की जो गम है वो नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की सी बिल्कुल,
यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको जो है हल्की हल्की गम नज़र आ रही है। अब बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा सफाई से फिट किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल पैनल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स होता है। और ये जो पैनल होगा यहाँ पर आप अपने जो नाखन है उसको नीचे अगर ज़रा सा रख कर दबाएँगे तो आपका जो नाखन है वो पैनल के थोड़ा सा अंदर जाएगा। यहाँ पर मुझे बिल्कुल फील हो रहा है, इसी वजह से मैंने आपको जो है थोड़ा जूम करके बताया है कि ये जो नाखन हम रख रहे हैं इसको थोड़ा सा आप दबाना है। और दबा के हाँ यहाँ पर आपको भी जो है नज़र आ रहा होगा कि जो नाखन है वो अंदर जा रहे हैं, यानी कि पैनल में फ़र्क है। अब जब ओरिजिनल पैनल होगा तो उसमें ये सीन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट फिट होता है कंपनी की तरफ से। जब जेन्युइन ना हो और मतलब आप दूसरा पैनल लगा लेते हैं तो वो एक साइड से जो है वो कम रह जाता है। तो आप अपने स्मार्टफोन की चारों साइडों में से किसी एक साइड पर जो है अपना नाखन रखे, नाखन को जैसे ही आप उसके अंदर जोर लगा के थोड़ा सा इस तरह कोशिश करेंगे तो आपको सामने प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन का जो पैनल है वो चेंज है और रिपेयर है। यहाँ पर फाइनली दोस्तों रियलमी C3 का भी जो पैनल है वो चेंज है, यानी कि ये स्मार्टफोन जो है रिपेयर है और इसका बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर जो है पता चल रहा है। तो इसी तरह दोस्तों आपने ये दोनों चीज़ें जो है देखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि जो उसके ऊपर से जो शीट है वो हटी हुई है वॉल्यूम वाली, तो यहाँ पर तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट पता चल रहा है, लेकिन दूसरे स्मार्टफोन्स में जो है आपको थोड़ा सा बारीकी से जो है देखना होगा। तो बिल्कुल आपको जो है एक्यूरेट मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं कोई भी स्मार्टफोन हो। सबसे पहले दोस्तों आपने उसके बैक की IMI जो है वो मैच कर देनी है स्मार्टफोन से। दूसरे नंबर पर जो है आपने उसकी IMI चेक कर देनी है कि उसकी ओरिजिनल IMI है या नहीं। और तीसरे नंबर पे आपने चेक करना है स्मार्टफोन का जो पैनल है वो चेंज तो नहीं है। अब आजकल ऐसे स्मार्टफोन आते हैं जिनकी बैटरी भी अगर रिपेयर हो रही हो तो उनका पैनल जो है वो उठाया जाता है, जिसकी वजह से जब वो दोबारा गम डालते हैं तो वो गम बिल्कुल साइडों से नज़र आ रही होती है। जैसा कि पीछे वीडियो में आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल हल्की हल्की सी जो गम है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो मुझे यकीन है आपको ये जो तरीका है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आई होप गाइस जो है सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पर दोस्तों इस टाइम पर मैं आपको बता दूँ PTA जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और जो लोग भी ये दो नंबर काम कर रहे हैं इस तरह के स्मार्टफोन्स जो है बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त किस्म का एक्शन होगा, और आप भी जो है ऐसा स्मार्टफोन परचेज करने से गुरेज करें। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगा एक दो दिन में, इसी टॉपिक पर होगी, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा डबल पैक स्मार्टफोन को जो है कैसे चेक करना है कि ये स्मार्टफोन जो है रीपैक है या फिर यूज है और दोबारा पैक किया गया है, 1 महीना चला के या फिर 15 दिन या फिर 10 दिन चला के जो है दोबारा पैक किया गया है। तो वो वीडियो जो है आपने वो भी वॉच करनी है। आई वॉच की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।